गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे मॉर्निंग और सभी को जय श्री कृष्ण। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। और सुनाइए, आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना वही रोज़ाना का डेली रूटीन। सुबह सुबह जल्दी जल्दी भागम भाग में सबके लिए नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन पैक करना, सबको ब्रेकफास्ट देऊंगी। यही है फ्रेंड्स सुबह सुबह की दिनचर्या। देखिए, यहाँ डुग्गू भी उठ चुका है। मैंने भी अपने जो सुबह के काम थे वो मैंने कर लिए हैं, आधे से ज़्यादा पूजा वगैरह, पूजा पाठ के। बस यहाँ टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मंदिर से लेट हो गई थी आने में, वहाँ कथा चल रही थी तो कथा सुनकर आई हूँ इस चक्कर में। और जल्दी जल्दी मुझे डुग्गू का टिफ़िन पैक करना पड़ रहा है। जल्दी तो फ्रेंड्स रोज़ ही होती है, बट सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम में पड़ जाता है तो निपट जाता है। और यही मैं उसका टिफ़िन पैक करते करते जो छोटे मोटे काम है किचन के वो भी निपटाती रहती हूँ, साथ के साथ ही जितनी देर में लंच की तैयारी होती है, इधर चाय बना लेती हूँ, इधर मशीन लगा लेती हूँ। यही है फ्रेंड्स सुबह सुबह की भागा दौड़ी के काम, क्योंकि काम तो पूरा दिन ही चलता रहता है मेरा। यहाँ डुग्गू जाएगा, उसके बाद ही मैं सारे घर की क्लीनिंग वगैरह में लगूंगी। और वही सोच रही हूँ दोपहर की सब्ज़ी में क्या तैयारी करूँ। आज बैंगन, कल सब्ज़ी लेकर आई थी फ्रेंड्स, सब्जियाँ कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या लेकर आऊँ क्या नहीं लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चों के ना बहुत नखड़े होते हैं खाना खाने में, क्या ले आऊँ क्या ना लाऊँ। भिंडी, कुंदरू, परमल कोई खाता नहीं है, और टिंडे विंडे तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो खा लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ, बट बच्चे ये खाने में बहुत ज़्यादा एक्टिंग दिखाते हैं। बस तो यही सोच रही हूँ आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, ना खाए ना सही, बस खाना तो दही से खा लेंगे बच्चे रोटी, क्योंकि क्या करें फ्रेंड्स, रोज कितना नया तुम नई डिश लाओगे, कितने दिन लाओगे, रोज़ 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 रोज नहीं समझ में आता क्या बनाओ क्या ना बनाओ। बस यहाँ मैं आलू कट कर लूँगी, फिर उसके बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं और किचन के जो छोटे मोटे काम है वो भी साथ के साथ ही क्लीन कर लूँगी रसोई में, क्योंकि जितना मर्जी कर लो रसोई में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुकर रख दिया है, कुकर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और थोड़ा सा देसी घी डाला है, क्योंकि मेरा तेल ना फ्रेंड्स ख़त्म हो गया और मुझे शाम को लाना भी नहीं याद रहा कि सब्ज़ी किससे छौंकूंगी अब, तो फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है सब्ज़ी में। क्या करूँ, क्योंकि अब सुबह सुबह तो कोई ला कर भी नहीं देगा इतनी जल्दी। बस यहाँ मैंने सारे मसाले, नमक, धनिया, हरी मिर्च और ये सब चीज़ें डाल ली, टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली पीस के वो डाल दी झटपट, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना नहीं होता, सिंपल सा ही छौंकना है, जल्दी से चुक जाएगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा जार में, जिस जार में टमाटर पीसे थे ना उसी में ही पानी ले लिया है, क्योंकि फिर इससे जार भी साफ़ हो जाएगा और जो टमाटर इसमें लगे हुए हैं वो भी डल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उधर मसाला जब तक पक रहा है, इधर मैं रसोई की क्लीनिंग कर लूँगी और जल्दी जल्दी काम में पड़ जाएगा, क्योंकि कल तो मैंने खैर करी थी ढंग से, तो आज थोड़ी ज़्यादा नहीं करूँगी, करनी पड़ेगी, बट वो वाली नहीं करनी पड़ेगी, साबुन वाबुन से एक दिन छोड़कर एक दिन साबुन से क्लीन कर लेती हूँ। और तवे को तो मैं रोज़ ईंट से ही मांजती हूँ, जितनी बार भी होता है ना, दो बार मांजू चाहे तीन बार मांजू, बट तवे को तो मैं ईंट से ही साफ़ करती हूँ। ईंट से साफ़ करने का एक फ़ायदा और है फ्रेंड्स, कि मैल नहीं चढ़ती हमारे तवे पे, जितनी जल्दी हो सकता है वो गंद साफ के साथ ही उतरता रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो मैं तवा तो साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ बर्तनों के साथ, और जार वगैरह भी। बस यही है फ्रेंड्स, जो भी है ये वॉश सिंक के पास ऊपर का जितना भी एरिया है, जितना भी प्लेटफॉर्म है, ये सारा मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर ना करो तो रोज़ रोज़ फिर गंद जमने लग जाता है, इसकी भी सफाई पूरी साथ के साथ ही रहती है।
बस देखिए ऐसे ही साबुन से ब्रश से धो के पूरी क्लीन, टूटी वगैरह सारी टूटियाँ भी बिल्कुल चमकती हुई दिखेंगी आपको अगर रोज़ ऐसे सफाई करोगे तो। बस उधर मेरे सब्ज़ी भी छुप चुकी है, जब तक सब्जी होगी उसके बाद मैं पूरा किचन का ये प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँगी और किचन भी क्लीन। बस मैं अपनी सफाई में लगूँगी क्योंकि कपड़े तो अभी खंगाले नहीं हैं, कपड़े मैं डिब्बू पे जाने के बाद ही खंगालती हूँ, इसी चक्कर से तो कपड़े सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो इकट्ठे ही खंगाल लूँगी। क्योंकि आज बेडशीट भी धोई है, 3-4 दिन से बेडशीट का नंबर ही नहीं आ पा रहा था क्योंकि बाहर घूमने गए थे, वहाँ के बाहर के कपड़े हो रहे थे तो मैंने सोचा कल लगा लूँगी परसों लगा लूँगी, 3 दिन से बेडशीटों का नंबर नहीं आ रहा था तो मैंने आज से बेडशीट वगैरह सब डाल दिए हैं, ओढ़ने वाले कंबल पतले इसलिए जो ओढ़ते हैं वो भी डाल दिए हैं धोने के लिए। और एक बात और फ्रेंड्स के कपड़े हमेशा ना थोड़ा अगर आप कमर से परेशान नहीं है तो झुककर खंगालिए, इससे थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता है और कपड़े भी सही खंगालते हैं पूरे के पूरे। इसी चक्कर से यहाँ मेरे कपड़े खंगल जाएंगे और उधर मैं फिर सफाई में लगूँगी क्योंकि सुबह के टाइम तो पूरा घर ऐसे होता है जैसे यहाँ कब से सफाई हुई नहीं है, सब चीज़ फैली हुई मैसी मैसी, और क्लीनिंग करने में टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, बट जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। बेडशीट वगैरह सब खुद ही हाथ से ही धो धा के खंगाल के, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक नहीं है तो इस वाली से ही सेमी वाली से ही धोना पड़ता है। और मैंने वो सूट डाल रखा था, सूट इसलिए उतार दिया क्योंकि काम करते टाइम ना सूट से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गीला हो जाता है सारा, तो इसी चक्कर में मैं ज़्यादातर टी शर्ट ही पहन के काम करने में कम्फर्टेबल रहती हूँ। यहाँ पे कपड़े भी डाल दूँगी, जब तक कपड़े सूखेंगे 12 बजे तक के करीब तब तक मेरा सारा काम लगभग हो ही जाता है, बस दोपहर का रह जाता है क्योंकि दोपहर में जब बच्चे आते हैं तभी मैं रोटी वगैरह में लगती हूँ। यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, जब तक बर्तन सूख गए बर्तनों का पानी निचुड़ गया लगा दिया, अब रसोई की ये सारी क्लीनिंग रह गई है और इसको भी निपटा के अब इसके बाद मैं करूँगी ज़मीन की सफ़ाई, क्योंकि ज़मीन की सफ़ाई अगर पहले कर दो तो थोड़ा बहुत धूल उड़ती है तो इस चक्कर से सारा, वैसे किचन में आज धूल तो है नहीं क्योंकि एक बार मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग झाड़ू लगा ही देती हूँ पूरे घर में उठते टाइम, इसी वजह से। बस यहाँ पे किचन का काम और चौक सफाई ये सब निपटाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े तय करूँगी, फिर नहाऊँगी दोबारा से, मेरा यही रोज़ का काम है सारी सफाई वगैरह निपटाने के बाद फिर एक बार मैं नहाती हूँ बाथ लेती हूँ, क्योंकि सारा डस्ट वगैरह बॉडी पर चिपक जाती है तो इस चक्कर में मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, पसीने पसीने हो जाती हूँ। एक बार तो सुबह नहा कर ही किचन में घुसती हूँ और जब तक ये दोपहर में आएंगे तब तक मेरा रोटी का टाइम भी हो जाएगा। बस यही है फ्रेंड्स, आटा तो मैंने सुबह भून लिया था, टेक केयर, थोड़े से राइस।